आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम हिंदी सिनेमा के सबसे स्टाइलिश और हैंडसम हीरो में शुमार किया जाता है। उनको बॉलीवुड का काउबॉय, फैशन आइकन और पूरब का क्लिंट ईस्टवुड तक कहा जाता था। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं डैशिंग एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिरोज खान की। तो आज हम फिरोज खान की जिंदगी के कुछ पन्ने पलटते हुए उनके बारे में कई दिलचस्प बातें जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्म टेनमेंट की एक और दिलचस्प वीडियो। फिरोज खान का वास्तविक नाम जुल्फिकार अली खान था। इनका जन्म 25 सितंबर 1939 को एक अफगानी पठान परिवार में हुआ था, जो कि अफगानिस्तान से विस्थापित होकर बेंगलोर में रहता था। फिरोज के पिता सादिक अली खान तनोली अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के रहने वाले थे, जबकि उनकी मां एक ईरानी महिला थी। फिरोज खान ने बेंगलोर के बिशप कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जर्मन हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने आगे कभी कॉलेज की पढ़ाई नहीं की। उनके 5 भाई अब्बास खान, शाहरुख शाह अली खान, समीर खान, अकबर खान और संजय खान थे। उनकी 2 बहनें खुर्शीद शाहनावर और दिलशाद बेगम शेख थीं। फिरोज खान अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई करने के बाद एक्टर बनने के लिए मुंबई आ गए। मुंबई में वाडिया एंड ब्रदर्स के यहाँ 300 रुपये महीने में नौकरी कर ली। वाडिया एंड ब्रदर्स ने ही फिरोज खान को अपनी फिल्म रिपोर्टर राजू के लिए 1000 रुपये प्रति माह पर साइन कर लिया। लेकिन इस फिल्म के जरिए फिरोज का डेब्यू नहीं हो सका। फिरोज का एक्टिंग डेब्यू साल 1960 में हुआ, जब उन्हें फिल्म दीदी में सेकंड लीड रोल मिला। इसके बाद जल्द ही उन्होंने एक इंग्लिश फिल्म भी साइन कर ली। इस फिल्म का नाम था टार्जन गोज टू इंडिया। इस फिल्म में उनके अपोजिट सिमी ग्रेवाल थी। ये फिल्म साल 1962 में आई थी, लेकिन ये फिल्म चल नहीं पाई। फिरोज का फिल्मी करियर तो शुरू हो गया, लेकिन पहली फिल्म करने के बाद से अगले 5 साल तक फिरोज खान को ज़्यादातर फिल्मों में सेकेंड लीड रोल ही मिलते रहे। साल 1965 में उन्हें फिल्म ऊंचे लोग में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में फिरोज खान के सामने अशोक कुमार और राजकुमार जैसे इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज कलाकार थे, लेकिन अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल दिखाते हुए फिरोज दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। उसी साल उनकी एक और फिल्म आरजू रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने राजेंद्र कुमार और साधना के साथ काम किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और फिरोज की एक्टिंग को भी लोगों ने खूब पसंद किया। साल 1969 में फिरोज की अगली फिल्म आदमी और इंसान रिलीज हुई। यह फिल्म उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिरोज खान को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक एक्टर का पुरस्कार भी मिला। जो तुमको हो पसंद वही बात है। उनके भाई संजय खान भी जाने माने एक्टर रहे हैं। उन्होंने अपने भाई संजय खान के साथ भी कुछ फिल्मों में काम किया, जिसमें उपासना, मेला और नागिन जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। इसके बाद फिरोज खान एक्टिंग के साथ फिल्मों को प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी करने लगे। फिरोज खान की बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहली फिल्म अपराध थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट मुमताज़ ने काम किया था। यह भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें जर्मनी में होने वाले कार रेसिंग के सीन दिखाए गए थे। इसके बाद उन्होंने साल 1975 में दूसरी फिल्म धर्मात्मा बनाई। धर्मात्मा फिल्म इंग्लिश फिल्म द गॉड फादर से प्रभावित थी। फिल्म में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लीड एक्टर फिरोज खान ही थे। उनके साथ रेखा और हेमा मालिनी इस फिल्म बतौर प्रोड्यूसर यह फिल्म उनके लिए बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म कुर्बानी
फिरोज खान के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई। इसमें फिरोज और जीनत अमान के साथ ही उनके करीबी दोस्त विनोद खन्ना भी लीड। फिरोज ने पाकिस्तानी पॉप सिंगर नाजिया हसन को ब्रेक दिया था। इस फिल्म में नाजिया का गाया एक गाना आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए आज भी बॉलीवुड के एवरग्रीन हिट गानों में शुमार किया जाता है। और नाजिया हसन को इस गाने के लिए मात्र 15 साल की उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। हमने नाजिया हसन पर एक पूरी वीडियो बनाई है, आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। साल 1998 में फिरोज खान ने अपने बेटे फरदीन खान को बॉलीवुड में लॉन्च करने के लिए प्रेम अगन फिल्म बनाई, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही। हालांकि इस फिल्म के लिए फरदीन को बेस्ट डेब्यू मेल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिरोज ने बेटे को एस्टैब्लिश करने की एक और कोशिश करते हुए फिल्म जानशी बनाई। इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट भी किया और एक्टिंग भी की, लेकिन यह फिल्म भी नहीं चल पाई। साल 2007 में आई फिल्म वेलकम उनकी आखिरी ऐसी फिल्म थी जिसमें फिरोज खान बतौर एक्टर नजर आए थे। इसमें अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर जैसे कलाकारों ने भी काम किया था। यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। बात करें फिरोज के निजी जीवन की तो फिरोज खान को पार्टियां करने का बहुत शौक था। उनकी पार्टी में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे शामिल हुआ करते थे। ऐसी ही एक पार्टी के दौरान फिरोज खान की मुलाकात सुंदरी से हुई जो बाद में उनकी पत्नी बनी। 5 साल तक डेट करने के बाद फिरोज और सुंदरी ने शादी की। इन दोनों के 2 बच्चे बेटी लैला और बेटा फरदीन खान हुए। शादी के कुछ ही सालों के बाद फिरोज किसी लड़की को डेट करने लगे। वो लड़की एक एयर हॉस्टेस थी जिसका नाम ज्योतिका धनराजगिर था। पहले तो फिरोज की पत्नी सुंदरी ने अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब फिरोज नहीं माने तो दोनों एक ही घर में अलग अलग रहने लगे। वहीं ज्योतिका ने शादी की बात की तो फिरोज ने उससे मना कर दिया। बाद में ज्योतिका लंदन में शिफ्ट हो गई और साल 1985 में शादी के 20 साल बाद फिरोज खान और सुंदरी के बीच भी तलाक हो गया। एक और दिलचस्प बात आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने फिरोज खान के अपने यहाँ आने पर पाबंदी लगा दी थी। बात साल 2006 की है। फिरोज अपने भाई अकबर खान की फिल्म ताजमहल के प्रमोशन के लिए पाकिस्तान गए थे। वहां पर एक महफिल में उनकी पाकिस्तानी सिंगर और एंकर फकरे आलम से उनकी कहा सुनी हो गई। दरअसल फिरोज ने हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए कह दिया था कि हमारे यहां हर कौम तरक्की कर रही है, वहीं पाकिस्तान पिछड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ में कई बातें पाकिस्तान में कह डालीं। इसके बाद तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पाक हाई कमिश्नर को निर्देश दिया कि इस शख्स को कभी आगे पाकिस्तान का वीज़ा न दिया जाए। ज़िंदगी के आखिरी वक्त में फिरोज खान ने मुंबई छोड़ दिया था। वे अपनी बेंगलोर के बाहरी हिस्से में बने फार्म हाउस में समय बिताया करते थे। उम्र के अंतिम पड़ाव पर उन्हें कैंसर हो गया था। उनका लंबे वक्त तक मुंबई में इलाज चला, लेकिन जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो फिरोज वापस अपने फार्म हाउस लौट आए। साल 2009 में 27 अप्रैल को 69 साल की उम्र में फिरोज खान ने अपने फार्म हाउस पर ही आखिरी सांस ली। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।